नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में वाराणसी विकास प्राधिकरण के लोकप्रिय उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के कड़े तेवर के बाद भी दबंग भवन स्वामी कैसे कर रहे हैं अवैध निर्माण। बता दें कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के लोकप्रिय उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर अवैध प्लाटिंग करने वालों और अवैध रूप से भवन निर्माण करने वाले भवन स्वामियों और बिल्डरों के खिलाफ बड़े ही सुनियोजित तरीके से कार्रवाई हो रही है। इतना ही नहीं, बीसी साहब सभी क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों के जवाबदेही के प्रति भी काफी सजग रहते हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में नियोजित विकास के प्रति जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा अवैध निर्माण करने वाले भवन स्वामियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद भी दबंग भवन स्वामी सूबे की योगी सरकार में बेखौफ होकर अवैध निर्माण करने में जुटे हैं। ताजा मामला वाराणसी के संकट मोचन से साकेत नगर कॉलोनी जाने वाले मार्ग पर रामेश्वर वाटिका के ठीक सामने में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी और उनकी टीम ने सील करने के बाद भी भवन स्वामी के विरुद्ध थाना लंका में FIR करने के लिए बाकायदा तहरीर भी दिया है, लेकिन भवन स्वामी कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए BDA की सील को तोड़कर खुलेआम अवैध निर्माण करने में जुटा है। मजे की बात है कि भवन स्वामी ने वाराणसी विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों पर धौंस जमाने के लिए अपने मकान पर लगे हरे पर्दे पर एक सम्मानित अधिवक्ता का बोर्ड लगा दिया है, जिससे कोई भी सरकारी अधिकारी सम्मानित अधिवक्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने से डरेगा जरूर। अब देखना है सूबे की योगी सरकार में ऐसे दबंग भवन स्वामी के अवैध निर्माण करने वाले भवन स्वामी के खिलाफ BDA के जिम्मेदार अधिकारी कब तक थाने में FIR करवाने में कामयाब होते हैं और इस अवैध निर्माण के खिलाफ कब तक चलेगा BDA का हथौड़ा। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं वाराणसी के खजुरी क्षेत्र में हो रहे 5 मंजिला अवैध निर्माण स्थल पर, जहां दालमंडी के सम्मानित बिल्डर नवाज के द्वारा कराए जा रहे 5 मंजिला निर्माण पर वाराणसी विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों की नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। बता दें कि आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व यानी वर्ष 2017 में खजुरी क्षेत्र के बिल्डर आजम ने भवन स्वामिनी से बाकायदा नोटेरियल बिल्डर एग्रीमेंट कराकर 5,01,000 नगद और 1 साल का किराया लगभग 1,40,000 देकर भवन निर्माण की तैयारी शुरू कर दिया, लेकिन लगभग 2 साल बीतने के बाद भी किन्हीं कारणों से बिल्डर आजम ने तय समय में भवन निर्माण करना तो दूर बल्कि इसकी बुनियाद रखने में भी कामयाब नहीं हो सका। लिहाजा दालमंडी के प्रतिष्ठित बिल्डर नवाज ने भवन स्वामिनी से 2019 में रजिस्टर बिल्डर एग्रीमेंट कराकर भवन निर्माण का कार्य शुरू किया और अब तक 5 मंजिला ढांचा बनकर तैयार हो गया है। बस इसी मौके का इंतजार था बिल्डर आजम को, क्योंकि उसे बखूबी पता था कि दालमंडी के बिल्डर नवाज ने वाराणसी विकास प्राधिकरण के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए 5 मंजिला अवैध निर्माण बनाकर तैयार कर दिया है। लिहाजा अपने लगभग 12 लाख कथित रूप से बकाया धनराशि के लिए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को शिकायती पत्र भेजकर उन्हें इस बात का इंतजार था कि उनका अब तक का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बिल्डर नवाज जरूर करेंगे, पर उन्हें मायूस होना पड़ा। वहीं दूसरी ओर सवाल उठता है, आखिर दालमंडी के बिल्डर नवाज ने वाराणसी विकास प्राधिकरण के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए कैसे बना दिया है 5 मंजिला अवैध निर्माण। अब देखना है BDA के जिम्मेदार जोनल अधिकारी सिंह गौरव प्रकाश और उनकी टीम इस अवैध निर्माण के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। यह यक्ष प्रश्न सवालों के घेरे में है। आइए अब हम सीधे बात करते हैं BDA के ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी के बारे में जिसे अपने पिता की मौत के बाद नौकरी मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह कर्मचारी सूबे की योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस यानी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के ऐलान को PM मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में खुलेआम चुनौती दे रहा है। फिलहाल अभी हम क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बस इतना बताना चाहते हैं कि यह कर्मचारी शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध निर्माण करने वाले भवन स्वामी और बिल्डरों को ऊपर के अधिकारियों से मदद के नाम पर
अपने भ्रष्टाचार का शिकार बनाता है और भोले भाले भवन स्वामी और बिल्डर इसके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जब अवैध निर्माण करने वाले भवन स्वामियों और बिल्डरों के खिलाफ बीडीए के जिम्मेदार अधिकारियों की नोटिस और सील करने की कार्रवाई शुरू होती है, तब जाकर इस बात का खुलासा होता है कि उनकी समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। अंत में हम बीडीए के उस भ्रष्ट कर्मचारी को आगाह करना चाहते हैं कि उसके सामने उसके रोजी और रोटी का सवाल है, लिहाजा उसके नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीडीए का हर बड़ा अधिकारी इसको बखूबी जानता है पर बोलता नहीं है। वहीं दूसरी ओर भवन निर्माण करने वाले सभी भवन स्वामियों और बिल्डरों से अपील है कि वे बीडीए के ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी से सावधान रहें और भवन निर्माण करने के दौरान किसी भी समस्या के लिए सीधे सभी क्षेत्र में तैनात बीडीए के जिम्मेदार अधिकारियों से मिलकर सही तरीके से नक्शा पास कराकर निडर होकर निर्माण करें। कुल मिलाकर वाराणसी विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों को ही अवैध निर्माण के लिए दोषी ठहराना गलत है, बल्कि इसके लिए भवन स्वामी और बिल्डरों को भी जागरूक होने की जरूरत है। तभी वे अपने भवन का निर्माण करने से पहले नक्शा जरूर पास कराएंगे और उन्हें भी काफी राहत महसूस होगी। तभी जाकर पीएम मोदी की स्मार्ट सिटी बनारस का सपना सही मायने में साकार होना संभव होगा। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।